167 करोड़ की सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिली है इस कैबिनेट की बैठक में। परियोजना का लाभ सीधी सिंगरौली, रीवा और मऊगंज को मिलेगा। इसी के साथ 1146 करोड़ की माइक्रो इरिगेशन योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली। पीपीपी मॉडल पर शुरू होगी पर्यटन विमान सेवा। उज्जैन समेत 5 शहरों में पीएमई बसें संचालित होंगी। पैरामेडिकल परिषद की जगह एमपी हेल्थ केयर काउंसिल बनेगी। 29 फरवरी को 17,000 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण होगा, शिलान्यास भी होगा। राजगढ़ मोहखेड़ा सिंचाई परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली। कई प्रस्तावों में अहम प्रस्ताव 4,167 करोड़ की सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है सरकार ने। परियोजना का लाभ सीधी सिंगरौली, रीवा और मऊगंज को मिलने वाला है। इसी के साथ सिंचाई परियोजना को जो मंजूरी मिली है, इसमें आपको बता दें कि आसपास के किसानों को काफ़ी फायदा होगा। और इस कैबिनेट की बैठक में जो कि कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाए गए थे, माइक्रो इरिगेशन योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। PPP मॉडल पर पर्यटन विमान सेवा शुरू होगी। उज्जैन समेत 5 शहरों में PMI बसें संचालित होंगी। पैरामेडिकल परिषद की जगह MP हेल्थ केयर काउंसिल बनेगी। 29 फरवरी को 17,000 करोड़ का विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। सिंचाई को हम सब ये मानते हैं कि ये वास्तविक विकास होता है। धरती से दौलत पैदा होने का मार्ग प्रशस्त होता है, उससे गरीबी बेरोजगारी दूर होती है। तो सिंचाई के क्षेत्र में कई योजनाओं की स्वीकृति आज मंत्रिमंडल में दी गई है, जिसमें राजगढ़ जिले की मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना की लागत 4,666 करोड़ रुपए, जिससे 1,51,495 हेक्टेयर की सिंचाई होगी। इसका जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था, आज उसको स्वीकृति दी गई है, मंजूरी आज कैबिनेट ने दी है। एक बहुत बड़ी निर्णय आज हुआ है, जिसमें 663 गांवों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी और वो 4 जिलों को कवर करेगी, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली। एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है, सिवनी और बालाघाट जिले की संजय सरोवर परियोजना के नहरों के विस्तारीकरण, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण प्रस्ताव की स्वीकृत हुई है 332 करोड़ रुपए, और इसमें 11,450 हेक्टेयर अतिरिक्त एरिया में सिंचाई का लाभ सिवनी और बालाघाट जिले के किसानों को मिलेगा। और अब बात होगी मौसम की, जहां पर मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और सुबह से ही MP के कई जिलों में मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया। भोपाल में इतनी तेज बारिश हुई कि BJP दफ्तर का गेट गिर गया। वहीं केंद्रीय मंत्री सिंधिया का प्लेन भी आंधी तूफान के कारण लैंड नहीं हो पाया और वापस लौट गए। दमोह, खजुराहो, टीकमगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, विदिशा, सीहोर, शहडोल, बुरहानपुर में भारी बारिश हुई है। किसानों के फसलों को नुकसान भी पहुंचा। आपको 10 तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये 10 तस्वीरों में आप देख सकते हैं राजधानी भोपाल, दमोह, खजुराहो, टीकमगढ़, नर्मदापुरम, इसी के साथ बैतूल, विदिशा, सीहोर, शहडोल और बुरहानपुर में जहां पर ओलावृष्टि हुई है और कई जगहों पर तेज बारिश की वजह से भी काफी नुकसान हुआ। तो यहां पर किसानों की चिंता उस वक्त और ज्यादा बढ़ गई जब ओलावृष्टि हुई, बड़े बड़े ओले गिरे और इन किसानों की फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई हैं। इसी के साथ यहां पर आपको बता दें कि सरकार ने भी इसको लेकर राहत देने के लिए आदेश दे दिया है अधिकारियों को, अपने मंत्री को और विधायकों को, कि सर्वे किया जाए, सर्वे के बाद यहां पर राहत राशि मुहैया कराई जाएगी किसानों को। और MP में ओलावृष्टि को लेकर CM डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मंत्री और विधायकों और सांसदों को CM ने निर्देश दिए, ओला प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल जाकर रिपोर्ट दें, रिपोर्ट आने के बाद किसानों को तत्काल राहत मिलेगी। ये तमाम बातें कही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, क्योंकि आपको बता दें कि कई एकड़ फसलें जो कि बर्बाद हो गई, फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है ओलावृष्टि की वजह से। और इस बीच यहां पर किसानों के सामने बड़ी चिंता जरूर खड़ी हो गई है। इस बीच किसानों की मांग है कि सर्वे कराकर जल्द से जल्द मुआवजा राशि दी जाए। वृष्टि और अतिवृष्टि से होने वाली फसल हानि का सर्वे हेतु समस्त जिले के कलेक्टरों को निर्देश दिए जा चुके हैं और उनको ये स्पष्ट है कि कोई भी किसान जो प्रभावित हुआ है उसका सर्वे
बहुत गंभीरता से के साथ किया जाए और जो भी मुआवजे का प्रावधान है उनको राहत राशि उपलब्ध कराई जाए। इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए भी सभी मंत्री और विधायक और सांसदों को निर्देश हुए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्रों में ये सुनिश्चित करें कि ठीक प्रकार से सर्वे और राहत राशि का वितरण हो जाए।